हेलो एवरीवन, वेलकम टू MS स्टडी गुरु। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो डिमांड का है उसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण डिमांड का जो है वो नेगेटिव स्लोप करता है, मतलब कि प्राइस एंड डिमांड में जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम आपके लिए ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहेंगे। सो सबसे पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड जो है ये अल्फ्रेड मार्शल ने ये कंसेप्ट दिया है, और ये जो कंसेप्ट है ये बताता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जो डिमांड कर्व है इसी कारण से वो नेगेटिव स्लोप करता है। जैसे कि ये डिमांड कर्व है DD, ये नेगेटिव स्लोप कर रहा है डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे हम प्राइस लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो डिमांड का वो नेगेटिव स्लोप करता है, मतलब जब भी किसी गुड का जो प्राइस है वो बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है बढ़ जाती है। ये एक रियल लाइफ लॉ है जो यूनिवर्सल यूनिवर्स पे अप्लाई होता है। मीन्स ऐसा ही होता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ, अगर किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है परचेजिंग के लिए, और अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो उसे कम प्रेफर करता है। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ डिमांड का नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, रीजंस क्या हैं डिमांड कर्व के नेगेटिव स्लोप करने के। देखो सबसे पहला इसका रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी अल्फ्रेड मार्शल ने ये लॉ दिया है। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम जब भी किसी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो कम होने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें मैंगो की, आपको अगर मैंगो बहुत पसंद है तो आप मैंगो का एक यूनिट कंज्यूम करेंगे तो आपको उससे यूटिलिटी मिलेगी। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट उसके कंज्यूम करेंगे तो आपको उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है कम होने लगेगी, मीन्स उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होने लगेगी। तो इसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, कि जब भी कोई कंज्यूमर एक गुड को ज़्यादा उसके यूनिट को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स उसके कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होने लगती है। ठीक है, ये एक रीज़न होता है लॉ ऑफ डिमांड के अप्लाई करने का, डिमांड एंड प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप होने का। अभी ये सेकंड बात है इनकम इफेक्ट। देखो ये क्या है, इनकम इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो बढ़ती है। देखो रियल इनकम क्या होती है और कैसे प्राइस कम होने से रियल इनकम बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बजट है 100 रुपीज़ का। ठीक है, 100 रुपीज़ के बजट में आप एक कॉमोडिटी परचेज कर रहे हैं 10 रुपीज़ की, अब और आपके पास बचते हैं 90 रुपीज़ अदर कॉमोडिटीज़ को परचेज करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उस कॉमोडिटी का प्राइस जो है कम हो जाता है 10 से 5 रुपीज़ में, अब आप वो कॉमोडिटी गेट कर सकते हैं तो आपके पास बचेंगे 95 रुपीज़, मतलब आपकी रियल इनकम जो है बढ़ गई। पहले आप 90 रुपीज़ से अदर आइटम्स परचेज करते थे, अब आप 95 में अदर आइटम्स परचेज कर सकेंगे। तो इसी कंसेप्ट को रियल इनकम बोलते हैं, मतलब इनकम इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन रेट, जो महंगाई की दर के साथ हम देखते हैं ना हमारी इनकम को कंपेयर करते हैं, तो उससे हमारी उसको हम रियल इनकम बोलते हैं। प्राइस कम होने से रियल इनकम जो है कंज्यूमर की बढ़ती है। ठीक है, अगर रियल इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी। परचेजिंग पावर मीन्स उसके हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा तो डिमांड जो है वो बढ़ेगी। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अनुसार अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम होता है तो वो गुड जो है ज़्यादा चीपर हो जाती है कंपेयर टू अदर कॉमोडिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल टी एंड कॉफ़ी दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है, अगर टी का प्राइस कम होता है तो टी जो है वो ज़्यादा चीपर हो जाएगी कॉफ़ी से, तो जो लोग पहले कॉफ़ी परचेज करते थे वो लोग भी अपनी डिमांड को शिफ्ट कर देंगे टी की तरफ, क्योंकि अब उन्हें टी जो है कॉफ़ी से ज़्यादा सस्ती मिल रही है। इसी कारण जो डिमांड है अब टी की वो बढ़ेगी, क्योंकि टी का जो प्राइस है वो अपने सब्स्टिट्यूट के मुकाबले कम हो गया है।
उसके बाद है डिफरेंट यूजेस ऑफ ए कॉमोडिटी। देखो इसके अनुसार जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम होता है तो वो कॉमोडिटी हम अलग अलग यूजेस पे जो है पुट कर सकते हैं, जिससे कि उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क है, मिल्क का प्राइस कम होने से हम उसे अलग अलग यूजेस पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उससे टी कॉफ़ी बना सकते हैं, कर्ड चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी। उसके बाद आता है साइज़ ऑफ द मार्केट। किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम होने से ज़्यादा लोग जो है उस कॉमोडिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे कि उस कॉमोडिटी की जो डिमांड है वो बढ़ती है। उसके बाद कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता। वो कौन से केसेस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता? मतलब कुछ कॉमोडिटीज़ के केसेस में प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो है पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन से गुड्स के केस में होता है? देखो सबसे पहले है वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट क्या है? वेबलन ने एक डॉक्ट्राइन प्रपाउंड किया है कंस्पिशियस कंजम्पशन का। इसमें क्या है कि लोग इसलिए उस चीज़ को खरीदते हैं क्योंकि उसको खरीदने से उनकी प्रेस्टीज जो है, उनका स्टेटस जो है वो बढ़ जाता है। और अगर उस कॉमोडिटी का प्राइस ही गिर जाए तो वो उसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें अब वो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग उसकी कोई प्रेस्टीज वैल्यू नहीं लगेगी, ठीक है। तो इस लॉ के अनुसार कंज्यूमर जो है कई चीज़ों को तब प्रेफर करते हैं जब उसकी प्रेस्टीज ज़्यादा हो, उसका स्टेटस जो है ज़्यादा हो, ठीक है। तो जैसे कि अभी जो है एप्पल का आईफोन, वो इसलिए लोग डिमांड करते हैं क्योंकि उसका प्राइस बाकी सारे फ़ोन से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेस्टीज वैल्यू है ये भी लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखती है कि उनके पास ये महंगी चीज़ है तो उनका सोसाइटी में जो है वो उनकी प्रेस्टीज ज़्यादा होएगी, अगर उनके पास महंगी चीज़ है तो। तो अगर उस चीज़ का प्राइस ही कम हो जाए तो वो उसे नहीं खरीदेंगे क्योंकि अब वो उनके लिए कोई भी प्रेस्टीज जनरेट नहीं करेगी। तो इसे हम वेबलन इफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होते हैं? देखो गिफन गुड्स जो है वो चीपर गुड्स होते हैं, जैसे घटिया क्वालिटी के, कम क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं उन्हें हम गिफन गुड्स बोलते हैं। जैसे कि मिलावटी दूध एक गिफन गुड है, ठीक है। तो गिफन गुड के केस में प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। देखो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप क्यों उनके बीच में पाया जाता है? क्योंकि गिफन गुड्स के केस में जो इनकम इफेक्ट होता है ना वो नेगेटिव होता है और वो बहुत स्ट्रांग होता है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का क्या मतलब है? देखो गिफन गुड्स के केस में जब भी किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी और उसकी इनकम बढ़ने से वो गिफन गुड की डिमांड नहीं बढ़ाएगा बल्कि कम करेगा, ठीक है। नॉर्मल गुड के केस में जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो उस गुड की कंजम्पशन को बढ़ाता है, लेकिन गिफन गुड के केस में वो ऐसा नहीं करेगा, वो उसकी कंजम्पशन को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं, ठीक है। जैसे कि अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मिलावटी दूध है या बैड क्वालिटी का जो है मिल्क, वो परचेज़ करती है कोई फैमिली की जब उसकी इनकम कम है। जब उसकी इनकम बढ़ गई तो वो अच्छा खासा एक क्वालिटी का महंगा दूध जो है वो परचेज़ करेगी, ठीक है। मतलब वो अब जो मिलावटी दूध है उसकी डिमांड कम कर देगी। सो इनकम बढ़ने के साथ जो गिफन गुड है उसकी डिमांड कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है ये इतना स्ट्रोंगर होता है कि ये प्राइस इफेक्ट जो है उसे पॉजिटिव बना देता है। तो इसलिए जो गिफन गुड्स हैं उनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। अगर उनका प्राइस कम होगा तो इससे उनकी उनकी डिमांड हरगिज़ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो गिफन है, चीपर गुड्स हैं, बैड क्वालिटी के गुड्स हैं, उनकी डिमांड कम ही होगी, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड्स और गिफन गुड्स में एक ही डिफरेंस होता है, गिफन गुड्स इन्फीरियर गुड्स का एक हिस्सा होते हैं। सारे इन्फीरियर गुड्स हैं जो हैं वो गिफन नहीं होते। इन्फीरियर भी बैड क्वालिटी गुड्स ही होते हैं, गिफन भी बैड क्वालिटी गुड्स ही होते हैं, लेकिन गिफन गुड्स जो होते हैं वो इन्फीरियर से भी इन्फीरियर होते हैं। मतलब वो ज़्यादा ही बैड क्वालिटी गुड्स होते हैं। इसकी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो भी हम आगे आपके लिए लेके आएंगे, इन्फीरियर एंड गिफन गुड्स के जो प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे होते हैं। तो इसलिए गिफन गुड के केस में जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोप करता है। देखिए हमने लॉ ऑफ डिमांड में जो डिमांड कर्व था वो नेगेटिव बनाया था। गिफन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड पॉजिटिव स्लोप पर करता है, मतलब प्राइस बढ़ने के साथ उसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ती है, प्राइस कम होने से उसकी डिमांड जो है वो कम होती है। तो इस तरह से ये कुछ एक्सेप्शनल केस थे लॉ ऑफ डिमांड के। आगे की वीडियो में भी हम ऐसे ही आपके लिए
वीडियोस लेके आते रहेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो आप आगे वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होप यू लाइक दैट वीडियो। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो समझनी है या इकोनॉमिक्स का कोई कंसेप्ट समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।